हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम जो है MPS 04 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तुलनात्मक दृष्टिकोण। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए तुलनात्मक जो है हमने उसमें मुद्दे और प्रवृत्तियाँ पढ़ा था, इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है हम पढ़ेंगे। इसके बारे में डेविड ईस्टन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है, डेविड ईस्टन की जो है इसमें क्या सिद्धांत थे उसके बारे में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि जो आपसे ये चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते हैं जिनके ऊपर, उन चीज़ों को हम जो है बताएंगे। तो आप वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखें और आपका जो है पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टिकोण, प्रणालियाँ, व्यवस्था, संरचना और सार्वजनिक नीति, ये आपका चैप्टर नेम है। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है। व्यवस्था ईस्टर्न जो थे उन्होंने अपनी बुक में द पॉलिटिक सिस्टम में 1953 में एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है, उन्होंने यहाँ पर मतलब कि तुलनात्मक राजनीति की जो व्यवस्था है उसके डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने दी थी कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिससे उस समाज के बाध्यकारी अधिकार आवंटन होते हैं। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, जहाँ पे किसी देश की यानी कि सरकार के जो है जितने भी कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं, वो बटे हुए होते हैं व्यवस्था में। अर्थात राज्य नीति निर्धारण, राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के बल पर नीति निर्धारण करती है और राज्य जो है एक नीति निर्धारण, यानी कि उसके जो है कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, राजनीतिक व्यवस्था होती है और उसे सत्ता दी जाती है जिसके ज़रिए वो जो है अपनी राजनीति चलाता है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न बनाते हैं। तो इस तरह से ईस्टर्न जो है इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को जो है राज्य की राजनीतिक नीतियों, राजनीतिक व्यवस्था और जो सत्ता का बल है यानी कि जो राज्य की शक्ति है उसको डिफाइन किया है इन्होंने। तो द पॉलिटिक सिस्टम में 1953 में इन्होंने जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया था। राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे जो है सरकार की जो भी संगठन है, कार्य करती है सरकार और जो है किस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था चला रही है उसके बारे में जो है पूरा आपको यहाँ पे बताया। और इसी प्रकार डेविड ईस्टर्न जो है उन्होंने भी अपने सिद्धांत दिए हैं राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर। तो डेविड ईस्टर्न यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राचीन समय में राजनीतिक विश्लेषण में संस्थाओं व संगठनों के कार्यों को ही विश्लेषण विषय में माना जाता था, जब पुराने टाइम में जो है सिर्फ संस्थाओं और संगठनों का ही हम अध्ययन करते थे कि राजनीतिक जो है संस्थाओं की क्या राजनीतिक यानी जो भी नेता है उन्होंने क्या क्या संस्थाएं बनाई हैं, उनके क्या क्या संगठन हैं, इसका अध्ययन करते थे। लेकिन बाद में जो है इसका अध्ययन विस्तृत हो गया, बहुत सी चीज़ें जो है हम यहाँ पर शामिल हो गई। तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के दो उपाधि बताए गए। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के इन्होंने डेविड ईस्टर्न ने दो उपागम यहाँ पर बताए हैं, एक निवेश निर्गत, तो निवेश से आशय है मांगे और समर्थन, मांगे यानी कि जो मांगे होती हैं यहाँ पे जो जनता मांग करती है उसके बारे में यहाँ पे ये बताते हैं कि जो जनता मांगे करती है ये एक प्रकार का क्या है, निवेश है। निवेश से आशय है मांगे और समर्थन, मांगे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षण सुविधाओं की मांग, सरकारी नौकरियों के विस्तार की मांग तथा विचार और भाषण की अभिव्यक्ति की मांग आती है। ये सब किस में आती हैं, सारी मांगे जो है निवेश के अंतर्गत, यानी कि ये सब मांगे करके जनता क्या कर रही है, देश सरकार से ये सब मांगे करती हैं और साथ में जो है सरकार का समर्थन भी करती हैं। यहाँ पे डेविड ईस्टर्न कहते हैं कि ये सब मांगों के द्वारा जो है सरकार कार्य करती है, अपनी व्यवस्था बनाती है, तो ये सब क्या है, एक निवेश है। और तो ये राजनीतिक व्यवस्था का एक उपागम है निवेश। और निर्गत, निर्गत क्या है, निर्गत प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, यानी कि ये तो मांगे हो गई, जो जनता ने मांगे करी हैं सरकार से, अब इन मांगों को पूरा करने के लिए जो है सरकार कुछ व्यवस्था बनाएगी उसे कहते हैं हम निर्गत। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, व्यवस्था मांगों को पूरा करने या उनसे परिवर्तन करने के लिए अपनी सीमित साधनों को पूरा उपयोगी करती हैं, यानी कि अपने यहाँ पे अब राजनीति क्या करेगी, ये नेता क्या करेंगे, अपने जो है साधनों को यहाँ पे पूरा करेंगे। इस प्रकार जनता की मांगें
सरकारी नीतियों या निर्णयों का रूप ग्रहण करती है, ये नीतियाँ निर्गत कहलाती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार जनता की मांगें जो हैं सरकारी नीतियों या निर्णय का रूप यहाँ पे ग्रहण करती है, यानी कि जनता मांग करती है उसके ज़रिए जो है सरकारी नीतियाँ बनाई जाती है और सरकारी नीतियों के ज़रिए ही निर्गत जो है तय होता है। निर्गत का मतलब होता है सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं उनको कहते हैं निर्गत। तो ये सब जो है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। पहला है मांगे, जिसे निवेश कहते हैं। मांगे और समर्थन, अगर सरकार का जनता मांगे करती है तो उसका समर्थन भी करती है। और निर्गत यानी कि सरकार मांगों के आधार पर जो नीतियाँ बनाती है। तो ये सब क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के उपागम हैं। डेविड ईस्टन ने जो है ये सिद्धांत दिए हैं। इसके अलावा संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास, ये जो है ये भी इस पर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण यानी ये भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है हमने ये जान लिया, अब इसकी संरचना कैसी है, इसको बनाया कैसे गया है, क्या क्या इसके संगठन हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में और उसके विकास के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, तभी हम जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से अभिप्राय ऐसी विधि से है जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के संगठन और कार्यों की व्याख्या करके, यानी राजनीतिक जो भी संगठन होते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनके कार्यों की, वो क्या कार्य कर रहे हैं उनकी व्याख्या करके, उन्हें संतुलन बनाए रखने से जो परिणाम दिखाई देते हैं उन्हें नियमों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे जो भी राजनीतिक संगठन होते हैं वो जो कार्य करते हैं और जो भी उनका जो उन्होंने पहले कार्य किए हैं उन सबकी तुलना करके जो परिणाम निकलता है उसके अंतर्गत हम उसकी संरचना को पढ़ते हैं। तो ये डेविड ईस्टन ने ही कहा था ये भी, और जो है इन्होंने संरचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे जो है बताया है कि हमें जो है जो संगठन होते हैं राजनीतिक संगठन उनके कार्यों की जो है उनके कार्य क्या कर रहे हैं वो उनके बारे में अध्ययन करके जो है समाज में संतुलन का क्या परिणाम आ रहा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये डेविड ईस्टन ने कहा था। फिर आलमेंट एक विचारक थे, उन्होंने जो है डेविड ईस्टन से ही जो है मतलब विचारों को उन्होंने विकसित किया और उन्हीं से मतलब प्रेरित होके इन्होंने यहाँ पे जो है अपने भी विचार इसमें ऐड करे। तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है उसमें एलमेंट ने अपने विचार दिए थे। एलमेंट ने ये स्पष्ट किया कि किसी संरचना या संगठन के क्या कार्य हैं और वो कैसे संपन्न करते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी जो है डेविड ईस्टन की तरह जो है उनके कार्य और वो कैसे संपन्न करते हैं अपने कार्य उसकी व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचना के बारे में यहाँ पे बताया। इनका मतलब पहला सिद्धांत है राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संगठनों के विभिन्न कार्य होते हैं, जनसाधारण की इच्छा सरकार तक पहुँचाना, लोगों में राजनीतिक चेतना अथवा जागृति पैदा करना तथा शासकों की भर्ती के लिए संस्थागत आधार जुटाना। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना यानी कि राजनीतिक जो भी व्यवस्था है, जो भी राजनीतिक संगठन है उनका क्या कार्य होता है, जनता की इच्छा को पूरा करना, क्योंकि सरकार जो है सारे कार्य नहीं कर सकती इसलिए उन्होंने कुछ संगठन बनाए। तो ये संगठन क्या करेंगे, जनता की इच्छाओं को जानेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। तो राजनीतिक चेतना अथवा जागृति पैदा करना भी इनका कार्य होता है, यानी कि जो है सरकार के प्रति जो है इनका मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, मताधिकार करवाना, ये सब क्या है, राजनीतिक संगठनों का कार्य होता है और ये सब कार्य जो है राजनीतिक जो है संरचना में किए जाते हैं। राजनीतिक संरचना के विभिन्न कार्य यानी कि उनके बहुत से कार्य होते हैं, राजनीतिक संगठनों के विभिन्न कार्य होते हैं, जनसाधारण की इच्छा सरकार तक पहुँचाना, यानी कि यहाँ पे भी जो है यही दे रखा है कि राजनीतिक संरचना जो होती है उनके विभिन्न कार्य होते हैं, राजनीतिक जो है चेतना वो बढ़ाएगी और जो है राज्य के समक्ष हमारी परेशानियाँ रखेगी, ये सब भी जो है उनके कार्यों में ही आता है। और जो है ये सब राजनीतिक संरचना जो है जो संगठन बनाए गए हैं वो ये सब कार्य संभालती हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश व निर्गत, इन्होंने भी जैसे डेविड ईस्टन ने निवेश और निर्गत के बारे में बताया था, तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था में निवेश और निर्गत के बारे में एलमेंट ने भी अपने विचार दिए। एलमेंट ने जो है इसमें क्या विचार दिए हैं, तो निवेश के बारे में इन्होंने चार बातें जो है बताई हैं। यहाँ पे निवेश के बारे में जो है डेविड ने क्या बताया था कि जो है लोगों की जो मांगे होती है और जो लोग समर्थन करते हैं उसको जो है हम जो है निवेश के ज़रिए जानते हैं निवेश। और इसके अलावा आलमेंट ने फिर क्या कहा है यहाँ पे, यानी निवेश को ही इन्होंने अपने ओर से जो है एक व्याख्या करी है निवेश की। राजनीतिक समाजीकरण,
इन्होंने ऐड करा है निवेश में, यानी कि जो है राजनीति में हम कैसे समाजीकरण कर सकते हैं, राजनीतिक जो है व्यवस्थाओं को हम कैसे चला सकते हैं और कैसे समाज का कल्याण कर सकते हैं, ये सब जो है निवेश कहलाएगा। मांगों का चयन, यानी कि क्या मांगे जो है लोगों द्वारा की जा रही है और किसको हम जो है पूरा कर सकते हैं, ये सब जो है निवेश में कार्य करता है। मांगों का समाहीकरण, यानी कि जो है हम किस मांगों को क्या क्या मांगे हमें जो है जनता की पूरी करनी है, इसके बारे में जो है हमें इसका सामूहिकरण करना चाहिए। तो ये सब क्या है, राजनीतिक संगठन द्वारा ये एक निवेश है। राजनीतिक संगठन क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को जानेंगे और इन पे काम करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कार्य अभी इन्होंने बताए हैं। निर्गत में नियम निर्माण, यानी कि जो है क्या नियम अपनाने चाहिए संगठनों को, नियम कार्यान्वयन, यानी कि कैसे कार्य उन जो नियम बनाए हैं उनको किस तरह से जो है हमें कार्यों में लाना है, किस तरह से उसे चलाना है, और नियम निर्णय क्या लेने हैं, इन सब के आधार पे जो है ये सब निर्गत और जो है निवेश में इन्होंने एलमेंट ने अपने विचार यहाँ पे दिए थे। और इस तरह से राजनीतिक संगठन क्या करेंगे, कार्य करेंगे, लोगों की मांगों को जानेंगे, उनकी मांगों का चयन करेंगे, मांगों का समाहीकरण करेंगे, यानी कि मांगों क्या क्या मांगे लोगों द्वारा की जा रही हैं और क्या क्या मांगे उनकी जो है हमें हमारे द्वारा पूरी की जाएंगी, तो इन सब का जो है लेखा जोखा सरकार को बनाना चाहिए। और इन्होंने निर्गत के अंतर्गत नियम निर्माण, यानी कि संगठनों को क्या नियम अपनाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया। तो अगर आपसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें डेविड ईस्टर ने क्या अपने विचार दिए हैं, और एलमेंट ने जो है राजनीतिक जो है कार्य कैसे बताए हैं, राजनीतिक संगठनों के जो है कार्य, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में पॉइंट्स में समझाया है। अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें जो है हर क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट करके भी ये बता सकते हैं क्या चीज़ें आपको ऐड करवानी है, या फिर आप जो है क्या क्वेश्चंस, अगर आप इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं इसकी तो भी आप हमें बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके आप जो है हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए अपने कोर्सेज की, MA की आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे, आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, पूरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी आप हमसे ले सकते हैं MA की। और यहाँ पे जो है इसकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें DM कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।